हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक्चुअली इसमें हम एक्सरसाइज ले रहे हैं चैप्टर वन की, जो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स है, ओके, फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। इसमें का जो पहला चैप्टर है उसका हम आज पूरा एक्सरसाइज देखने वाले हैं, ओके। ये आपको आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हो, या आपके टर्म एंड एग्जाम हो, या आपके फाइनल एग्जाम, इसमें बहुत ही यूजफुल होगा, ओके। बहुत ही पॉइंट वाइज यहाँ इसमें हमने आंसर्स दिए हुए हैं, ओके। आप इसे रेफर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर वन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ओके। सो द पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, द इंसेक्ट्स पोलिनेटेड फ्लावर्स, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली बजेस, मतलब ऐसे फ्लावर्स जिनमें इंसेक्ट्स एज अ पॉलिनेटर्स एक्ट करते हैं, उन फ्लावर में कौन से एडेप्टेशंस होने चाहिए, इस तरह का ये क्वेश्चन है। तो कुछ एडेप्टेशंस नीचे दिए गए हैं, या तो फ्लावर्स इस पोलेंस जो है वो स्टिकी होने चाहिए विद द रफ सरफेस, या तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोलन ग्रेन्स उन्होंने प्रोड्यूस करने चाहिए, या ड्राई पोलेंस विद स्मूथ सरफेस एंड लाइट कलर्ड पोलेंस, ओके। अब हमें पता है कि इंसेक्ट पोलिनेशन करता है तो पोलन ग्रेन्स जो है उसके बॉडी को स्टिक होते हैं, ओके। सो तो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे कैसे होने चाहिए, स्टिक होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए। So, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए, दैट इज द स्टिकी पोलेंस विथ रफ सरफेस। यहां पे आप देख सकते हो कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोलन ग्रेन्स ये एनिमोफिली फ्लावर्स में हमें देखने को मिलेगा, ड्राई पोलेंस विथ स्मूथ सरफेस, ओके, ये भी हमें एनिमोफिली में देखने को मिलेगा, एंड लाइट कलर्ड पोलेंस, ओके। सो वैसे तो पोलेंस लाइट कलर्ड के ही वो ऐसा कुछ नहीं है, ओके। सो मोर प्रिपरेबल आंसर कौन सा है इसमें से, कि पोलेन ग्रेन जो है वो स्टिकी होने चाहिए विद रफ सरफेस के होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन ओविल मियोसिस अकर्स इन, ओविल की अगर हम बात करें तो ओविल में मियोसिस कहां पे होगा, किस सेल में होगा, ओके, किस जगह पे होगा। एक है इंटिग्यूमेंट, दूसरा है न्यूसिलस, तीसरा है मेगास्पोर, और चौथा है मेगास्पोर मदरसेस। अब हमें ये पता है कि मियोसिस होता क्या है, ओके। जो डिप्लॉइड सेल होगी वो डिप्लॉइड सेल क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगी मियोसिस प्रोसेस से। तो मियोसिस किस में होगा, मेगास्पोर मदर सेल, किसमें होगा, मेगास्पोर मदर सेल। सो मेगास्पोर मदर सेल्स कौन सी कंडीशन में रहेगी, 2n कंडीशन में रहेगी, ओके। और इसमें मियोसिस होगा और हैप्लॉइड गैमेट बनेगा, ओके। सो एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा अकर्स इन एमएमसी, और उससे क्या बनेगा, हैप्लॉइड गैमेट बनेगा। सो आंसर इसका क्या है, डी, इसका आंसर क्या होगा, डी। थर्ड क्वेश्चन, द प्लॉइडी लेवल इज नॉट द सेम इन, प्लॉइडी लेवल मतलब क्या है कि द डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, ओके, कि क्रोमोसोम के नंबर सेम, ओके, किसमें नहीं होंगे, सेम किसमें नहीं होंगे। अब अगर हम इंटिग्यूमेंट की बात करें तो इंटिग्यूमेंट जो होगी वो सोमैटिक सेल रहेगी प्लांट में,
म्यूसिलस भी चाहेगी, वो भी सोमैटिक सेल ही रहेगी। तो इनमें डिप्लॉइड कंडीशन होगी तो प्लॉइडी इनमें सेम ही रहेगी दोनों में, ओके, टू एन कंडीशन ही रहेगी। अगर हम बात करें रूट टिप या शूट टिप की, तो ये दोनों यहां के जो सेल रहेंगे उनमें भी टू एन कंडीशन ही रहेगी, ओके। अगर हम बात करें इस आंसर को लेके हम चले, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एंडोस्पर्म, अगर हम सेकेंडरी न्यूक्लियस की बात करें तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में कंडीशन होगी 2n, सेकेंडरी न्यूक्लियस में कंडीशन होगी 2n, क्योंकि n प्लस n ये फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे, दैट इज अ 2n, जिसे हम पोलर न्यूक्लियस भी बोलते थे। एंड एंडोस्पर्म में कंडीशन क्या होती है, 3n। यहां पे 3n कैसे बनेगी, क्योंकि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n और इसके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज होगा, तो कंडीशन क्या रहेगी, 3n। सो यहां पे देखो ये 2n और ये 3n है, सो प्लॉइडी कंडीशंस क्या है, डिफरेंट है, व्हिच इज नॉट सेम, ओके। सो आंसर क्या रहेगा, ये फोर्थ ऑप्शन भी हम लोग देखते हैं कि क्या है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है एंटीपोडल सेल एंड सिनर्जिक सेल्स। अब हमें ये तो पता है एंटीपोडल सेल्स में क्या रहेगा, हैप्लोइड कंडीशंस रहेगी, दैट इज एन कंडीशन, और सिनर्जिक सेल में भी क्या रहेगी, हैप्लोइडी कंडीशंस रहेगी। सो दोनों में सेम है, सो सेम किस में नहीं है प्लॉइडी कंडीशंस, ऑप्शन 3 में, सी में, मतलब इसमें कंडीशंस क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2n है और एंडोस्पर्म में 3 है। सो ये थर्ड का आंसर, ओके। सो फोर्थ क्वेश्चन अब यहां देखते हैं हम कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रिक्वायर्ड पॉलिनेटर, ओके, बट रिजल्ट इज जीनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगैमी, ओके। सो ऑटोगैमी क्या होता है, हमें यह समझना चाहिए पहले, ऑटोगैमी होता है एक ही फ्लावर रहेगा, उसी फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे ऑटोगैमी। अब यहां कंडीशंस क्या है कि ऑटोगैमी में पॉलिनेशन की जरूरत, पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती है, ओके। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा टाइप है जिसमें पॉलिनेटर की जरूरत तो है, मगर अगर उनका रिजल्ट हुआ तो वो जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए, ओके। सो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, जिटोनोगैमी, जिनोगैमी, अपोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। सो आंसर क्या है, जिटेनोगैमी। अब जिटेनोगैमी क्या होता है कि एक ही प्लांट के दो अलग फ्लावर्स पे क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, उन दोनों में पॉलिनेशन हो रहा है, पर प्लांट क्या है, सेम ही है, ओके। सो एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे और दूसरे फ्लावर के, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे क्या हो जाएंगे, लैंड हो जाएंगे। सो यहाँ पे पॉलिनेटर जरूरी है, ओके। सो वो अबायोटिक फैक्टर्स हो सकता है या बायोटिक फैक्टर्स हो सकता है, एनीथिंग, विंड से भी हो सकता है या कोई एनिमल्स या इंसेक्ट भी वो कर सकता है, ओके। तो रिजल्ट बनेगा तो वो जेनेटिकली कैसा रहेगा, सिमिलर रहेगा। क्यों जेनेटिकली सिमिलर रहेगा, क्योंकि प्लांट एक ही है, सेम प्लांट है, उसके लिए जिनोगैमी तो पता है हमें, दैट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। एपोगैमी जो है, एपोगैमस जो हमें एपोमिक्सिस में देखने को मिलता है, एंड क्लिस्टोगैमी हमें एक फ्लावर का टाइप है, ओके, द फ्लावर आर नॉट एक्सपोज्ड। सो इसका आंसर है जिटोनोगैमी, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन फ्लावर फ्लावरिंग प्लांट इज 12, फ्लावरिंग प्लांट में डिप्लॉइड क्रोमोसोम के नंबर है 12, ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 6 क्रोमोसोम। सो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर 6 हो सकते हैं, क्रोमोसोम नंबर 6 हो सकते हैं। प्लांट क्या है, डिप्लॉइड में 12 कंडीशन है, क्रोमोसोम नंबर 12 है, मतलब 2n कंडीशन 12 है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इसके बाद ऐसे कौन सी सेल रहेगी या कौन सा प्लांट का पार्ट रहेगा जिसमें कंडीशन, क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 6, मतलब हाफ, सो दैट मींस एन कंडीशन क्या होगी, ये पूछा है। ऑप्शन में दिया है एंडोस्पर्म, देन सेकंड है लीफ सेल, तीसरा है
कोटेलेडॉन्स एंड कोकून है सिनर्जिस्ट। ओके, सो अब हमें इंडोस्पर्म का तो पता है, इंडोस्पर्म में कंडीशंस रहेगी 3N। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें इस क्रोमोसोम की, सो 12 ओके प्लस 6, 18 क्रोमोसोम एंडोस्पर्म में होने चाहिए। लीफ सेल की अगर हम बात करें तो सोमैटिक सेल है उसमें तो 12 ही होने चाहिए। देन कोटेलेडॉन्स अगेन सोमैटिक सेल है तो उसमें भी 12 ही रहने चाहिए। बट अगर हम सिनर्जिड की बात करें, सिनर्जिड सेल की बात करें, तो सिनर्जिड सेल्स का है हैप्लोइड सेल है। सिनर्जिड्स का है हैप्लोइड सेल है। एम्ब्रियो सैक में अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद आ रहा है तो यहाँ पे एक सेल रहेगी और साइड में दो सिनर्जिड सेल्स रहेंगे। तो सिनर्जिड सेल्स कैसे रहेंगे? हैप्लोइड। और हैप्लोइड का नंबर क्या होना चाहिए? अगर प्लांट में डिप्लोइड कंडीशन 6 है तो 12 है तो 6 होने चाहिए। सो आंसर, राइट आंसर क्या होगा? सिनर्जिड सेल्स। सो सिनर्जिड सेल्स में हमें देखने को मिलेंगे 6 नंबर ऑफ। 6 क्वेश्चन है। इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय और ड्यू टू, एंडोस्पर्म किस वजह से फॉर्म होगा या कैसे फॉर्म होगा? तो या तो एक वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ मेगास्पोर से हो सकता है, या तो फिर पोलर न्यूक्लियर से हो सकता है, या फिर पोलर न्यूक्लियर एंड मेल गैमेट से हो सकता है, या पोलन ग्रेड्स। अभी हमें एंडोस्पर्म पता है, एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन होगा, दो पोलर न्यूक्लियर के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा तो उससे बनेगा PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और वो डिफरेंशिएट हो जाएगा एंडोस्पर्म में। तो क्या हो रहा है? दो पोलर न्यूक्लियर एंड वन मेल गैमेट का फ्यूजन होगा और एंडोस्पर्म बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। इसका आंसर क्या होगा? 3, दैट इज सी। फोर्थ पॉइंट, सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है कि आपको पॉइंट दी ऑड वन, ओके, जो नहीं है वो बाहर निकालना है, ऑड मैन आउट जैसे। सो देखो ऑप्शन में दिया है न्यूसिलस, एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल एंड पोलन ग्रेन्स। अगर हम बात करें न्यूसिलस प्रेजेंट इन द ओविल, यस, एम्ब्रियो सैक ओविल में ही, और माइक्रोपाइल ओविल का ही एक रीजन है, ओविल का ही एक एंड है। तो ये तीनों चीजें जो पहले दी हुई है ए बी और सी, वो हमें ओविल के बारे में बताती है, और पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट है, ओके, और ये पहले तीन वाले फीमेल गैमेट। सो इसमें ऑड वन कौन सा हो गया? टी, दैट इज द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स यहां पे ऑड वन हो गया, ठीक है। सो इसका फोर्थ का ऑप्शन है पोलन ग्रेन्स। ओके, सो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, सिर्फ आपको समझना है, ओके, और सब ऑप्शंस को आपको इलिमिनेट करना आना चाहिए कि नहीं ये नहीं हो सकता या ये हो सकता है, ओके, तो क्यों हो सकता है उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। ओके, सो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट, या तो वो वन लाइन हो सकते हैं या वन वर्ड में हो सकते हैं। ओके, सो तो पहला क्वेश्चन है, देखो, नेम द पार्ट ऑफ जिम्नोशियम दैट डिटरमाइन द कॉम्पेटेबल नेचर ऑफ पोलन ग्रेन्स। मतलब पोलन ग्रेन्स कॉम्पेटेबल है या नहीं है वो गाइनोशियम में कौन सा पार्ट डिटरमाइन करेगा। ओके, सो देखिए, अगर हम गाइनोशियम का स्ट्रक्चर निकाले तो गाइनोशियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। पोलन ग्रेन्स कहाँ पे लैंड हो जाएंगे? यहाँ पे लैंड हो जाएंगे। ओके, सो यही पार्ट रिकॉग्नाइज करेगा उसको कि वो कॉम्पेटेबल है या नहीं है। तो ये पार्ट कौन सा है? स्टिग्मा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? स्टिग्मा। सो आंसर क्या रहेगा इसका? स्टिग्मा। सो देखिए, हाउ मेनी हैप्लोइड सेल्स आर प्रेजेंट इन द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अगर हम मैच्योर एम्ब्रियो सैक की बात करें तो उसमें कितने हैप्लोइड सेल्स रहेंगे? ओके, सो हमें पता है कि हैप्लोइड सेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें कितने हो गए? 3 एंटीपोडल सेल्स रहेंगे, ओके, 2 सिनर्जिड सेल्स रहेंगे, ओके, और एक सेल रहेगा,
ओके, सो टोटल कितने रहेंगे? 6। बट वो जो दो सेंट्रल में न्यूक्लियस है वो भी तो एक सेल है हमारे पास, ओके। सो ऐसे कितने सेल्स रहेंगे? 7 सेल, 7 सेल्स, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशंस, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशंस रहती है एम्ब्रियो सैक में, हमें ये पता है, ओके। सो आंसर विल बी अ 7, या आप डायरेक्टली इसको 7 लिख सकते हैं, या तो फिर आप सीधा ऐसे लिख सकते हो 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिड सेल्स, 1 एग अपैरेटस और 1 एग सेल एंड 1 सेंट्रल सेल, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन है, इवन दो ईच पोलन ग्रेन्स हैज 2 मेल गैमेट, हर एक पोलन ग्रेन्स में 2 मेल गैमेट होते हैं, ये तो हमें पता है, व्हाई एटलीस्ट 20 पोलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड टू फर्टिलाइज 20 ओव्यूल्स इन अ पर्टिकुलर कार्पेल, ओके। एक कार्पेल में 20 ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करने के लिए हमें 20 पोलन ग्रेन्स की जरूरत है, ओके। अब ओव्यूल है वो, तो उसमें सारे चीजें रहेंगी, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट रहेगी, और हमें पता है जब फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट में तो वो डबल फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा मतलब एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करेगा एक सेल के साथ और दूसरा फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ओके। सो 20 ओव्यूल्स को एक्चुअली फर्टिलाइज करने के लिए हमें 20 ही पोलन ग्रेन्स की क्या है, जरूरत है, ओके। नहीं तो एक ही है, 10 रहेंगे, ओके, 10 रहेंगे तो वो 10 के 10 किसे फर्टिलाइज करेंगे? एक सेल को, तो पोलर न्यूक्लिया फर्टिलाइज ही नहीं होंगे, ओके। वो भी तो फर्टिलाइज होने चाहिए क्योंकि उससे एंडोस्पर्म बनेगा, ओके, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो, ओके। सो वी रिक्वायर्स द 20 पोलन ग्रेन्स, ओके। सो 20 पोलन ग्रेन्स 20 ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करने के लिए जरूरी होते हैं, ओके। So, because out of 2 male gametes, 1 gamete fuses with the egg cell and form a zygote and another one fuses with the polar nuclei. So, for 20 ovules, 20 pollen grains are required. Okay? So, ye aapko yaad rakhna hai. Then, define the megasporogenesis. Abhi megasporogenesis, megaspore formation, that is female gametophyte, genesis to produce. Okay? So, the formation of megaspore is called as megasporogenesis. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ओके। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स। देखो मेगास्पोर किससे बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल से। सो एमएमसी अंडरगोज मियोसिस एंड दे फॉर्म द हैप्लोइड मेगास्पोर, ओके। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, again it is a too much easy, that is what is a hydrophilic, okay, the pollination which is carried out by the water, it's called as hydrophilic. The pollination is carried out with the help of water is known as hydrophilic, okay. So hydro, that means water, philic means to attract or to pollinate, okay. Water help kar raha hai pollination process mein, so use hum bolenge hydrophilic. So the next question is, name the layer which supplies the nourishment to the developing pollen grains. Developing pollen grains ko nourishment kon provide karega? Okay, pollen grains ki baat ho rahi hai, to pollen grains ko nourishment karne ka kaam hota hai tapetum ka, tapetum layer, okay. So tapetum layer kya karega? Pollen grains ko nourishment provide karega. ओके, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? एंडोस्पर्म, ओके। और ओव्यूल को, ओके, एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? न्यूसिलस, ओके। ये बात बहुत जरूरी है, यहाँ पे हमें पोलन ग्रेन्स पूछा है, सो पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है टैपेटम। देन पार्थेनोकार्पी, ओके। So, पार्थेनोकार्पी क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट,
विदाउट फर्टिलाइजेशन से अगर एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पार्थेनोकार्पी। और पार्थेनोकार्पी जो बर्ड था वो फर्स्ट टाइम कॉइन किया था नोल ने इन 1902 में। ओके, द साइंटिस्ट नोल कॉइन्ड द टर्म पार्थेनोकार्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी इन एपोमिक्सिस? आंसर रहेगा नो। ओके, एपोमिक्सिस का मीनिंग ही होता है विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। ओके, सीड का फॉर्मेशन होना, उसे हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। सो इसका सीधा साधा आंसर है डायरेक्टली नो, बिकॉज एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसमें मियोसिस नहीं होगा। एपोमिक्सिस मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो एपोमिक्सिस प्लांट है वो मिमिक करते हैं, दे आर मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है। तो नाम में ही अगर आप एपोमिक्सिस को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हो, सो अपो का मीनिंग होगा अवे एंड मिक्सिस का मीनिंग होगा टू मिक्स, मतलब गैमेट का फ्यूजन, मिक्सिंग होना। ओके, सो अवे, सो मिक्सिंग हो ही नहीं रही है, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है। सो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन से प्रायर जो प्रोसेस है पॉलिनेशन, दे आर ऑल्सो नॉट नेसेसरी फॉर इन द एपोमिक्सिस। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द पार्ट्स ऑफ पिस्टिल व्हिच डेवलप्स इनटू अ फ्रूट एंड सीड। पिस्टिल अगेन गाइनोशियम, गाइनोशियम के ऐसे कौन से पार्ट है जो कि फ्रूट एंड सीड्स में डेवलप होते हैं? सो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स एंड ओविल कन्वर्टेड इनटू द सीड्स। सो फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी एंड सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओविल। ओके, सो ओविल ही कन्वर्ट होंगे सीड में और ओवरी जो होगी वो कन्वर्ट होगी फ्रूट में। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस? ओके, फिलिफॉर्म एपरेटस होता कहाँ पे है ये हमें पहले समझना चाहिए। फिलिफॉर्म एपरेटस होता है सिनर्जिड सेल्स, हम सिनर्जिड सेल्स को हम बोलेंगे फिलिफॉर्म एपरेटस। ओके, सो इसका आंसर भी बहुत इजी है, टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब एंड रिलीज ऑफ मेल गैमेट। ओके, सो ये जो फिलिफॉर्म एपरेटस होते हैं वो फिलिफॉर्म एपरेटस का काम होता है टू गाइड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करना एम्ब्रियो सैक में एंड वहां पे जाके मेल गैमेट रिलीज करना। पोलन ट्यूब क्या करेगी? मेल गैमेट रिलीज करेगी। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस। ओके, सो ये थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, 10 थे, बहुत इजी थे। इसके आंसर आप या तो वन लाइन में लिख सकते हो या तो फिर आप वन वर्ड में लिख सकते हो, इट्स दे आर अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स लिखने चाहिए। ओके, सो यहां पे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, हाउ पॉली एम्ब्रॉयनी कैन बी कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड। कमर्शियली कैसे उसका यूज कर सकते हैं पॉली एम्ब्रॉयनी कंडीशन का। अभी पॉली एम्ब्रॉयनी क्या होता है ये पहले आपको समझना चाहिए। पॉली का मीनिंग होगा मेनी, एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो। ओके, एक ही ओविल में बहुत सारे एम्ब्रियो फॉर्म होना या होना, उसे हम बोलेंगे पॉली एम्ब्रॉयनी कंडीशन। ओके, सो it is the occurrence of more than one embryo in a seed which is further developed into a multiple seedlings, wo multiple embryos form ho gaye to multiple seedlings form ho gaye, and it can be commercially exploited in a many ways out of which are listed below. kuch yahan pe diye hue hai jaise ki they are helps in plant breeding mein madad karenge, polyembryony increase the chances of survival of the new plants, survival of new plants ke jo hai chances इंक्रीज होंगे इसके वजह से। द न्यूक्सिलर एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रोइनी इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में भी पॉलीएम्ब्रोइनी का बहुत अच्छा सा यूज होता है। देन प्लांटलेट्स ऑब्टेन फ्रॉम दिस एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो से जो प्लांटलेट्स ऑब्टेन किए जाते हैं वो वायरस फ्री होते हैं एंड मोर विगरस होते हैं।
ओके सो इससे क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हो सकती है. एंड देन ऑल दीज एम्ब्रियोज कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन ऑन द एम्ब्रियो कल्चर टू प्रोड्यूस द क्लोन. ओके, और जो एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो बने हुए हैं एक ही सीड में, उसे हम आइसोलेट कर सकते हैं और उस एम्ब्रियो का कल्चर करके हम उससे क्लोन्स फॉर्म कर सकते हैं. क्लोन्स क्या होते हैं, द जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स. सो उस वो भी हम फॉर्म कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये कुछ कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड या हम यूज बोल सकते हैं पॉली एम्ब्रियोनी के. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है पॉलिनेशन एंड सीड्स फॉर्मेशन. इन पॉलिनेशन एंड सीड फॉर्मेशन आर वेरी क्रूशियल फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन, जस्टिफाई दिस. यस, वी नो द पॉलिनेशन एंड फॉर्मेशन और सीड फॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी है ओके फ्रूट फॉर्मेशन के लिए. सो पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ना सीड बनेंगे ना फ्रूट बनेंगे. ओके, सो इसका भी आंसर दिया हुआ है. सो द पॉलिनेशन इज द प्रीरिक्विजिट फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले की ये प्रोसेस है. सो फर्टिलाइजेशन इज द फिनोमेना बाय व्हिच सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्मड इन द फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, सो फ्रूट इज द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ द ओवरी. फ्रूट किससे बनेगा, तो ओवरी से बनेगा. एंड ओविल इज इनसाइड द ओवरी. ओविल ओवरी के इनसाइड में रहेगा एंड सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ ओविल. और सीड किससे बनेंगे, ओविल से बनेंगे. सो द फर्टिलाइजेशन स्टिमुलेट्स द ओवरी टू बिकम फ्रूट एंड ओविल बिकम टू सीड. इसके वजह से पॉलिनेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ओके, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकॉम्पैटिबिलिटी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इनकॉम्पैटिबिलिटी. Incompatibility is a natural barrier in the fusion of gametes. Okay, a natural barrier hai. Okay, so how will you explain this statement? So, pehle aapko yaad rakhna hai ki what is the incompatibility. Okay, means compatible nahi hona gametes ka ek dusre ke saath. So, incompatibility refers to the inability of certain gametes. Inability. Certain gametes, even from the genetically similar plant species, to fuse with each other. Okay, एक दूसरे से fuse न होना, मतलब male gamete और female gamete fuse नहीं होंगे, even they are belongs to the same plant species or the same species. उसे हम बोलेंगे genetic incompatibility. Okay, so this is also called as intraspecific. Intraspecific क्योंकि species एक ही है, उनमें भी gamete कॉम्पेटेबल नहीं है. और इसे हम सेल्फ स्टेरिलिटी भी कह सकते हैं या तो फिर हम इसे सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी भी कह सकते हैं. ओके, सो ये जो है दिस इज अ प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन. ओके, प्रीजाइगोटिक मतलब जाइगोट फॉर्म होने से पहले का ही आइसोलेशन मीन सेपरेशन है. ओके, आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टिग्मा. ओके, सो स्टिग्मा उन पोलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा. So no formation of pollen tube and hence no fusion of gamete takes place. So it act as a natural barrier in the fusion of gamete. Next question se aapka, describe the three devices by which cross pollination is encouraged by the avoiding self pollination. Okay, so humne outbreeding devices ke bare mein padh liya tha. So yahan pe outbreeding devices mein aapko koi bhi teen outbreeding devices lene hai. Yahan pe maine unisexuality diya hai, dichogamy diya hai aur preprotency ke bare mein. ओके, सो यहाँ पे आप आपके हिसाब से जो आपको अच्छे लगे वो ले सकते हो. ओके, हकोगैमी है, हेटरोस्टाइली है. ओके, फिर आप सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी भी ले सकते हैं. ओके, व्हाटएवर. ओके, सो यहाँ पे मैंने तीन, बहुत इजी है, समझने को भी अच्छे है, इसके लिए मैंने ये रख दिए है, यूनिसेक्सुअलिटी, हकोगैमी एंड प्रीपोटेंसी. ओके, आप यहाँ पे कोई और भी ले सकते हैं आपके हिसाब से. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में आप देख सकते हो उसका वीडियो. सो ये फोर क्वेश्चंस थे, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे. उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पे अभी लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस के लिए मैंने सिर्फ
हमारे लेक्चर्स के यूट्यूब लिंक्स दिए हुए हैं मेरे चैनल्स के, सो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के लिए आप इस लिंक पे जा सकते हैं, आपको पूरा आंसर आपको मिलेगा पॉइंट वाइज। देन एक्सप्लेन द इन्वॉल्व इन द मैच्योरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट कैसे फॉर्म होता है इसका वीडियो भी है, ओके, मेल गैमेटोफाइट का ये लिंक है, इसके इसके ऊपर आप जाके इसका आंसर आपको मिल सकता है। और थर्ड क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के वीडियो लेक्चर्स में आपको वो मिल सकता है, तो उसकी भी यूट्यूब लिंक यहाँ पे दी गई है। जो क्वेश्चन फोर था वो था ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ द एलएस ऑफ एनाट्रोपस ओविल एंड लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड मेंशन देयर फेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, सो ये कुछ, ये तो आपको डायग्राम निकालनी है अगर पूछा जाए तो, और नाम भी देने हैं। ओके, सो ये एनाट्रोपस ओविल का डायग्राम है। दूसरा क्वेश्चन इनमें उन्होंने पूछा था कि कंपोनेंट जो है एम्ब्रियो सैक में उनका फेट क्या होगा जब वो एम्ब्रियो सैक जो है वो फर्टिलाइज होगा। ओके, फर्टिलाइज होने के बाद उसका फेट क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स है फ्लावर के, ओके, या फीमेल गैमेटोफाइट के हम बोल सकते हैं, और उसका फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा ये दिया हुआ है। पहला तो है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओके, ये क्या है, अब ये फ्लावर के वर्ल्ड्स है, तो यूजुअली विदर एंड फॉल ऑफ। ओके, सो या तो विदर हो सकते हैं या तो फॉल ऑफ हो सकते हैं। ओके, पेटल्स, स्टेमेन, स्टिग्मा, ओके, एंड इवन स्टाइल। ओवरी का क्या होगा, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी सीड, सॉरी, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, ओविल कन्वर्ट होगा सीड में, और जो एग है, एग सेल जो रहेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी जायगोट में। जो फिनिकल था, ओके, वो बनेगा स्टॉक ऑफ द सीड, ये फिनिकल है, ओके, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टॉक ऑफ द सीड। जो माइक्रोपाइल एंड है, माइक्रोपाइल जो है वो माइक्रोपाइल ऑफ द सीड बनेगा, एंड माइक्रोपाइल ऑफ द सीड्स उसका काम क्या होगा, फैसिलिटेट द O2 एंड वाटर अपटेक। ओके, इसके बारे में भी हमने सीड फॉर्मेशन में बताया हुआ है। न्यूसिलस का बनेगा पेरिस्पर्म। ओके, अगर न्यूसिलस रहा तो उसका पेरिस्पर्म बनेगा, इसका हमने एक एग्जांपल बताया था, ब्लैक पेपर या बीड, ये जो जिनेरा है उनमें न्यूसिलस रिमेन रहता है, परसिस्टेंट रहेगा, और उस उसे हम बोलेंगे पेरिस्पर्म। देन आउटर इंटीग्यूमेंट ऑफ ओविल, जो ओविल का आउटर इंटीग्यूमेंट रहेगा, ओके, सो ये बाहर वाला जो आउटर इंटीग्यूमेंट रहेगा उसका बनेगा टेस्टा। ओके, दैट इज द आउटर सीड कोट, टेस्टा को हम आउटर सीड कोट, और इनर इंटीग्यूमेंट से बनेगा इनर सीड कोट, उसे हम बोलेंगे टेगमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, टेगमेंट। सो टेगमेंट इज द इनर इंटीग्यूमेंट ऑफ द ओविल एंड टेस्टा इज द आउटर कोट, आउटर इंटीग्यूमेंट ऑफ द ओविल, और वो आउटर सीड कोट रहेगा। सिनर्जिड सेल्स डीजनरेट हो जाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है उसके साथ मेल गैमेट फ्यूज होगा और उससे बनेगा एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंटीपोडल सेल्स जर्मिनेट हो जाएंगे। ओके, सो ये है फेट ऑफ कुछ पार्ट्स है उसके आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या फेट होंगे। ओके, सो इसके बारे में हमने किसी लेक्चर्स में बताया नहीं था, इसके लिए मैंने यहाँ पे वो एड कर दिया है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, यहां से ऐसे ही आपको पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कुछ। ओके, सो सी देखिए यहां पे क्या हुआ है, दी डैश कलेक्ट द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कौन कलेक्ट करेगा, तो इसका आंसर है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, कलेक्ट करेगा पोलन ग्रेन्स को, सही है। द मेल वर्ल्स, मेल वर्ल्स को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम जो है वो क्या करेंगे, मतलब एंड्रोशियम का अगर हम इंडिविजुअल मेंबर ले ले तो उसे हम बोलेंगे स्टेमेंस, और स्टेमेंस में क्या है, एंथर्स है, और वो प्रोड्यूस करेंगे पोलन ग्रेन्स। उनका काम क्या है, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना।
पोलन ग्रेन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेट को. ओके, सो द डैश कंटेन्स द एग और ओवम. किसमें एग या ओवम प्रेजेंट रहेगा? तो एम्ब्रियो सैक में. सो डैश इज टेक्स प्लेस व्हेन द वन मेल गैमेट एंड द एग फ्यूज टुगेदर. किससे हम बोलते हैं? जब मेल गैमेट, वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल एंड दैट द फर्टिलाइज्ड एग ग्रोज इनटू द सीड फ्रॉम द व्हिच द न्यू प्लांट्स कैन ग्रो. सो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस कब होगा? व्हेन वन मेल गैमेट एंड वन एग फ्यूज टुगेदर. देन डैश इज द बेस ऑफ द फ्लावर टू व्हिच अदर फ्लावर्स आर अटैच्ड. मतलब इस पार्ट को हम क्या कहते हैं जिसमें कि ये सारे पार्ट्स अटैच है, उसे हम बोलते हैं पेडिसिल. उसे हम क्या बोलेंगे? पेडिसिल. यहाँ पे तो सीधी सीधी डेफिनेशंस दी हुई है, आपको सिर्फ समझना है कि डेफिनेशन किस बार की. डैश इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्लावर. एक उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स का लैंड होना, ट्रांसफर होना, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन. उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनेशन. ओके, सो वंस द पोलन रीचेस द स्टिग्मा, पोलन ट्यूब ट्रांसफर्स डाउन एट द मेल गैमेट टू द ओवरी वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स. सो पोलन ट्यूब्स ट्रैवल करेगी नीचे और वहां क्या रिलीज करेगी? वो मेल गैमेट रिलीज करेगी और ओवरी में जाके वहां पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी. ओके, सो पोलन ट्यूब से क्या निकलेंगे, क्या रिलीज होंगे? मेल गैमेट. सो द डैश आर कलर्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट. इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सी चीज फ्लावर में है जो वो कलर्ड होती है? तो हमें वो से बोलते हैं पेटल्स. पेटल्स कलर रहेंगे, ब्राइटली कलर्ड रहेंगे, या उसे हम कोरोला कहते हैं. ओके, पेटल्स इंडिविजुअल मेंबर. देन सम फ्लावर्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे? नेक्टर और फ्रेग्रेंस दैट अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए या तो वो नेक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं या तो फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जिसके वजह से इंसेक्ट्स क्या हो, उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो जाए. एंड देन द वर्ल्स इज ग्रीन, डैश इज ग्रीन दैट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर यूनिट इट अंटिल इट ओपन्स. कोन फ्लावर के इनर वर्ल्ड जो है उसको प्रोटेक्ट करता है और वो ग्रीन कलर का रहता है. तो कौन रहता है? कैलेक्स. कैलेक्स एंड और यू कैन से सेपल्स. सो ये वाला पार्ट. ओके, ये वाला पार्ट. सो ये है आपका कैलेक्स, ये है कोरोला, ये है एंड्रोशियम और ये है गाइनोशियम. ओके, सो ये फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर थे आपके. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. ये यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी हुई है. ओके, लेबल द पार्ट्स ऑफ द सीड. सीड की डायग्राम दी हुई है तो उसे हमें लेबलिंग करना है. ओके, सो ये जो पार्ट है, ओके, दिस इज एन एपिकोटाइल. ये हाइपोकोटाइल रीजन है, ये रेडिकल, ये सीड कोट. ओके, सीड कोट हमें पता है दो होंगे. ओके, एक रहेगा आउटर कोट रहेगा एक, और दूसरा रहेगा इनर. ओके, सो आउटर कोट जो है उस आउटर कोट को हम बोलते हैं टेस्टा. उसे हम बोलेंगे टेस्टा, आउटर सीड कोट को, और इनर को हम बोलेंगे टेगमेन. इनर को नाम है टेगमेन. ये हो गया टेगमेन. ठीक है, सो ये है कोटेलेडॉन्स. ओके, सो दो कोटेलेडॉन्स होंगे अगर सीड डाइकोट का होगा. सो दो कोटेलेडॉन होंगे, और अगर एक ही होगा तो मोनोकोटेलेडॉन. एंड ये जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे एंडोस्पर्म, विच प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ओके, ये रीजन जो है यहां से भी हम आपको इसे कोटेलेडॉन बोल सकते हैं. एक कोटेलेडॉन, ये एक कोटेलेडॉन,
ये है हाइलम, और यहाँ पे जो स्मॉल ओपनिंग का ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है माइक्रोपाइल। ओके, ये क्या होगा? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल भी परसिस्ट रहता है, हमने बोला था ओविल का, सो ये है माइक्रोपाइल। सो ये डायग्राम है, ये डायग्राम भी आपको डायरेक्टली दी जा सकती है और उससे लेबलिंग करने का क्वेश्चन आपको आ सकता है आपके फाइनल एग्जाम में, तो आपको ये नाम याद रखने हैं। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है दैट इज मैच द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे देखिए कि कॉलम फर्स्ट जो है उसमें उन्होंने दिए है स्ट्रक्चर बिफोर सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन से पहले का स्ट्रक्चर क्या होगा, और स्ट्रक्चर आफ्टर सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन होने के बाद उसमें क्या चेंजेस होंगे, ये कॉलम टू में दिया है। सो आपको ये मैच करना है। सो देखिए अभी कॉलम वन में उन्होंने क्या क्या दिया है, फिनिकल्स दिया है। ओके, आपको पता है ओविल का, ओविल में पाए जाते हैं ये। फिर स्कार ऑफ द ओविल क्या है, ओके, देन स्कार ऑफ द ओविल का क्या होगा, फिर जायगोट का क्या होगा, और ओविल के इनर इंटिगमेंट का क्या होगा। और यहाँ पे कुछ चीजें उन्होंने बताई है कि हाइलम बताया, टेगमेन, टेस्टा, स्टॉक ऑफ द सीड एंड एम्ब्रियो। ओके, सो अगर हम इस ऐसे क्वेश्चंस को देख ले तो हमें कुछ ना कुछ इसमें से आता ही होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे पेयरिंग्स आने ही जरूरी है, आपको कुछ तो मिलेगा, एक तो एटलीस्ट चार में से एक तो कुछ मिलेगा। ओके, सो वैसे हमें करना है। सो हमें ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है, देखो जायगोट। ओके, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट फॉर्म हो गया, और वो जायगोट क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। सो जायगोट विल कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो, सो यहाँ पे एम्ब्रियो का ऑप्शन है। ओके, सो सी जो है उस सी को फिफ्थ ऑप्शन। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिखा है, सी को फिफ्थ ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन तो, ये आंसर तो चला गया। ओके, दूसरा देखो इसमें सी को फिफ्थ ऑप्शन नहीं है, तो ये बी भी चला गया, बी भी नहीं है, आप एलिमिनेट कर सकते हो इजीली। सी जो ऑप्शन है उसमें, हाँ इसमें तो है, ठीक है इसमें है बुआ, सी को फिफ्थ वन, ओके चलेगा ये है। और डी में सी को थर्ड, तो ये भी नहीं है। सो एक ही पेयरिंग से आपको आप एक्यूरेट आंसर पे चले गए, बट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यही ऐसा ही हो। ओके, हमें और करना चाहिए। ओके, यहाँ पे ठीक है कि सी को सिर्फ फिफ्थ ऑप्शन एक ही इसमें दिया हुआ है, बट मल्टीपल इसमें दे सकते हैं। सो यहाँ पे आपको दूसरा देखिए, इनर इंटीग्रमेंट का आपको पता है। ओके, जो इंटीग्रमेंट्स होते हैं वो इंटीग्रमेंट्स क्या हो जाते हैं, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, जो आउटर होता है वो टेस्टा, और जो इनर होता है वो टेगमेन, ठीक है। सो ये इनर इंटीग्रमेंट जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टेगमा में। ओके, मतलब डी को सेकेंड, सो डी को भी सेकेंड है, सही बात है, डी को भी सेकेंड है, तो हमने राइट क्लिक किया है। ओके, फिर बाद में हम ए का देखते हैं, फिनेकल्स। सो फिनेकल जो होगा वो फिनेकल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस दे आर कन्वर्टेड इनटू द स्टॉक ऑफ द सीड, हमने लास्ट स्लाइड्स में देख लिया था। ओके, एंड बी जो होगा स्कार ऑफ द ओविल वो बनेगा, कन्वर्ट हो जाएगा हाइलम। ओके, सो आप कुछ एक या दो पेयरिंग से ही समझ जाओगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही है। ओके, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि आप आंसर बहुत इजीली इलिमिनेट करें, रॉन्ग ऑप्शन जो होगा वो बहुत इजीली आप इलिमिनेट कर सकते हो और आप आपके सही आंसर पे जा सकते हैं। ओके, सो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज थी चैप्टर वन की। ओके, सो ये सात क्वेश्चंस थे टोटल, तो आपको इसे पूरी तरीके से सॉल्व करना है। आप आपके नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसके बाहर का तो क्वेश्चन आएगा नहीं,